सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो हम लोग देखेंगे सेमेस्टर 6 डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक पेपर है जो कॉमन पेपर है हर ब्रांच का। तो ये पेपर जो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप है। तो इस पेपर का हम लोग फुल डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे, किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में और किस तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे और उसका भी आंसर हम लोग करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और कैसे हम लोग उसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ग्रुप ए से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्रुप ए में फर्स्ट क्वेश्चन में 20 ऑब्जेक्टिव पहले आते थे, लेकिन इस बार से जो प्रोसेस है वो चेंज हो चुका है। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे हर एक ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा। तो अभी देख लेते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप के आए थे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, यानी कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो दे आर कॉन्फिडेंट होना चाहिए बिल्कुल। दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन, यानी कि वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जो एक्शन ले रहा है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। दे वर्क हार्ड, और जो हार्ड वर्क कर सके, यानी इसका ऑल ऑफ द अबव इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हम लोग अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन हु इज ऑलवेज ट्राइंग टू मेक हिज हर बिजनेस बेटर बाई टेकिंग रिस्क एंड ट्राई न्यू आइडिया इज कॉल्ड। तो इसमें ऑप्शन है पहला स्किल्ड मैन, दूसरा है बिजनेस मैन, तीसरा एंटरप्रेन्योर और चौथा है नॉन ऑफ दिस। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा? तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? एंटरप्रेन्योर के नाम से जानते हैं। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है और वो अपने बिजनेस आइडिया को डेवलप कर रहा है दूसरे के बिजनेस आइडिया से बेटर बनाने के लिए और वो रिस्क लेने के लिए भी तैयार है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। अगला है थर्ड नंबर, -- इज़ द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ द कंट्री। तो इसमें से कौन सा बैंक है जो सबसे पहले कंट्री में आया था या सबसे पहले डेवलप हुआ था, विकासशील बैंक इसमें से कौन सा है? तो जो फर्स्ट डेवलप बैंक ऑफ कंट्री था उसका नाम था इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो थर्ड का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला हम लोग फोर्थ देखते हैं, हाउ लॉन्ग इज़ अ पेटेंट वैलिड इन इंडिया। तो कितने टाइम तक पेटेंट वैलिड है इंडिया में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 ईयर्स। 20 ईयर्स इज करेक्ट आंसर। तो 20 ईयर्स इसमें करेक्ट आंसर होगा फोर्थ का। अगला फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, -- इज द टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेयर वन इज रनिंग अ बिजनेस टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ वन सेल्फ। -- इज द टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेयर वन इज रनिंग अ बिजनेस टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ ऑन सेल्फ। -- तो इसका पहला ऑप्शन है एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा एंटरप्रेन्योर, तीसरा है बिजनेस आइडिया और चौथा है नॉन ऑफ दिस। इसका हिंदी में पढ़ लीजिए, स्वरोजगार का प्रकार है जहाँ कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति स्वयं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यवसाय चला रहा है। तो स्वयं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगर व्यवसाय चला रहा होगा तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंटरप्रेन्योर। अगला है आपका सिक्स नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर गवर्निंग रिक्रूटमेंट। बोला है विच ऑफ दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर गवर्निंग रिक्रूटमेंट। तो इसमें कौन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक्सटर्नल इम्पॉर्टेंट फैक्टर? तो पहला है सप्लाई टू द डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड, दूसरा है सन ऑफ ऑयल, और तीसरा लेबर मार्केट, और चौथा है नॉन ऑफ दिस। तो इसमें पूछ रहा है कि तो जो हमारा वैकेंसीज आते हैं, रिक्रूटमेंट आते हैं, तो उसमें कौन सा कारण है जिसके कारण वैकेंसी या रिक्रूटमेंट आते हैं? तो अगर सप्लाई और डिमांड की पूर्ति करना हो तब हम इस तरह का कंसिडरेशन करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, सप्लाई एंड डिमांड। अगला हम लोग देखते हैं सेवन्थ नंबर क्वेश्चन,
व्हाट कैन बी पेटेंटेड अंडर पेटेंट एक्ट 1970. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एन इन्वेंशन. एन एक मिनट जस्ट, इट नीड्स, हाँ इसका बी ऑप्शन सही होगा, एन इन्वेंशन. अगला है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज रिस्क. तो रिस्क क्या है? पहला ऑप्शन है नेगेटिव कंसिक्वेंस दैट कुड अकर, जिसका नकारात्मक परिणाम हो सकता है. बी नंबर है नेगेटिव कंसिक्वेंस दैट विल अकर, जिसका नकारात्मक परिणाम घटित होगा. नेगेटिव कंसिक्वेंस दैट मस्ट अकर, नकारात्मक परिणाम जो घटित होना ही चाहिए. और डी है नेगेटिव कंसिक्वेंस दैट शैल अकर, जिसका नकारात्मक परिणाम घटित होगा. तो इसमें से रिस्क किसको हम लोग मानेंगे, रिस्क क्या होगा इसमें से? तो रिस्क से क्या होता है कि आने वाले समय में, या अब हम लोग फिक्स कर चुके हैं कि उसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव इम्फेक्ट पड़ेगा. तो इसका ऑप्शन नंबर, जिसका नकारात्मक परिणाम हो सकता है. ऐसा नहीं है कि रिस्क से आपको नकारात्मक परिणाम पड़ेगा ही पड़ेगा. रिस्क का मतलब ये होता है कि आपने कोई मान लेते हैं दुकान किया, तो वहाँ पे दुकान चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है. तो ऐसा नहीं है कि नकारात्मक परिणाम ही केवल पड़ेगा, या वो मतलब उस वो कंपनी चलेगा ही नहीं. ऐसा भी हो सकता है कि वो कंपनी चल जाए. तो नकारात्मक का मतलब ये, या रिस्क का मतलब ये हुआ कि कंपनी चल भी सकता है और नहीं भी सकता चल सकता है. इसका एक्यूरेट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा. अगला हम लोग देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन, असेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इंटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड. इसको क्या बोलेंगे, करेंट एड्रेस, करेंट एसेट बोलेंगे, फिक्स एसेट बोलेंगे, इंटेंजिबल एसेट बोलेंगे, या इन्वेस्टमेंट बोलेंगे. इसको कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा करेंट एसेट, करेंट एसेट. इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट करेंट एसेट. अगला है आपका 10th नंबर क्वेश्चन, MSMED इज डिफाइंड अंडर विच एक्ट. तो किस एक्ट के अंदर MSMED को हम लोग डिफाइंड करते हैं ये बताना है. तो पहले तो इसका फुल नेम जान लेते हैं हम लोग क्या होता है. तो इसका फुल नेम होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट, इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट. तो इसका जो हम लोग कब डिफाइन किया गया था, तो ये 2006 में डिवाइड बनाया गया था, इसको डिफाइन किया गया था. तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा. अगला 11 नंबर, MSMED स्टैंड फॉर, देखिए M का मतलब क्या बताया, माइक्रो, S का मतलब क्या बताया, स्मॉल, M फिर M का मतलब क्या बताया, मीडियम, E का मतलब हम क्या बताएं, इंटरप्राइजेस. तो इंटरप्राइजेस यहाँ पे, और डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट यहाँ पे. ऑप्शन सी इसमें जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा. ये ऑप्शन, ये आपको इसका फुल नेम भी याद रखना है. अगला है 12th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ SIDBI. तो इसका कौन सा फंक्शन होगा हम लोग देखते हैं. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिस्काउंटिंग ऑफ व्हील. अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, एडवर्टाइजमेंट प्रमोट्स परचेस प्रोडक्शन सेल्स प्राइस. तो किसके लिए प्रमोट किया जाता है आपको, सेल्स के लिए. ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सामान को बेचा जा सके. ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट होगा. अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस. तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑप्शन ए है रिक्रूट द राइट कैंडिडेट टू रिक्रूट द रिक्रूट टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग. और सी बी है आपका मीट द हाई लेबर टर्नओवर. और डी है नॉन ऑफ दिस. तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए होगा, रिक्रूट द राइट कैंडिडेट. तो हम सिलेक्शन रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन प्रोसेस क्यों लगाते हैं, ताकि हम लोग राइट पर्सन को चूज कर सके उस काम के लिए.
अगला हम लोग 15th नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजनेस अरेंजमेंट इन विच अ कंपनी अथोराइज अनदर कंपनी टू टेम्पररी एक्सेस टू इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाइसेंसिंग। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन। तो अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग में क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। इसमें ऑप्शन ए है कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर, कंपनी टैक्स लायबिलिटी 4%, पार्टिकुलर बियर, और उसके बाद है फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, और डी है ऑल ऑफ दी इज। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, हुज लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंड द वैल्यू ऑफ बिजनेस असेट एंड हिज प्राइवेट असेट। पहला है पार्टनरशिप फॉर्म, सोल प्रायोरिटी प्रोपराइटरशिप, सी ए को ऑपरेटिव सोसाइटी, और डी ए आपका एच यू एफ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें, सोल प्रोपराइटरशिप। अगला हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, एंजल इन्वेस्टर यूजुअली प्रोवाइड विच टाइप ऑफ फाइनेंसिंग। तो एंजल इन्वेस्टर किस तरह के फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है? पहला है डेब्ट, दूसरा इक्विटी, तीसरा स्टॉक, और चौथा है नॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इक्विटी। अगला 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपका है अ बिजनेस वेयर इज एन इंडिविजुअल इज बोथ द ऑनर एंड द कंडक्टर ऑफ बिजनेस अफेयर इज कॉल्ड, उसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। और लास्ट ऑब्जेक्टिव इसका है आइडिया जनरेशन प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योर आर। तो ये होता है आपका जर्मिनेशन प्रिपरेशन क्वेश्चन, यानी ऑल ऑफ दिस इसमें करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दिस इसमें करेक्ट होगा। अब ग्रुप बी में आते हैं, और ग्रुप बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो अगला फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन ट्रेट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। ट्रेट्स का मतलब होता है फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो एक एंटरप्रेन्योर का क्या फीचर्स होना चाहिए? तो एंटरप्रेन्योर आपका इनोवेटिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, और बहुत सारी चीज इसमें आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर है आपका नोट डाउन द सिमिलैरिटी बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर। तो मैनेजर और एंटरप्रेन्योर में क्या सिमिलैरिटीज है? तो देखिए, मैनेजर और एंटरप्रेन्योर में सिमिलैरिटी बहुत सारा है, जैसे कि इंटरप्रेन्योर भी डिसीजन लेता है, मैनेजर भी डिसीजन लेता है। इंटरप्रेन्योर भी अपने काम को कैसे मैनेज करना उसके बारे में सोचता है, और मैनेजर भी उस तरह से सोचता है। तो ये इसमें सिमिलैरिटीज हो सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टेज ऑफ सक्सेशन प्लानिंग, और इसका और वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ बैंकरप्टी, हाउ इट वर्क। तो बैंकरप्टी क्या है? जैसे किसी कंपनी ने लोन लिया, या किसी बैंक से किसी कंपनी ने लोन लिया। अब जिस मान लीजिए कि 2 ईयर्स के लिए उसने लोन लिया, और 2 ईयर्स कंप्लीट हो जाने के बाद उस कंपनी ने बैंक को लोन नहीं चुका पाया, या उसके पास इतना प्रॉफिट नहीं हो पाया कि वो बैंक को लोन चुका पाए। तो उस लोन को चुकाने के लिए ये जो कंपनी है अपने असेट्स को गवर्नमेंट को दे देगा। तो अब गवर्नमेंट उसको क्या कर देगा कि बैंकरप्टी घोषित कर देगा, और इस तरह से जो बैंक कर्मी होंगे वो इसके सारे असेट्स को बेच कर अपना जो अमाउंट होगा वो रख लेंगे ऐसा। लेकिन उसके पास इतना अमाउंट नहीं होगा, उसके असेट्स का इतना अमाउंट नहीं होगा जितना लोन का अमाउंट। जैसे मान लेते हैं कि 10 लाख का अमाउंट अगर बैंक ने दिया, तो ये 2 लाख 3 लाख का अमाउंट होगा जो कंपनी का एसेट बचा होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है डिफाइन बिजनेस प्लान, राइट डाउन इट्स एलिमेंट। तो बिजनेस प्लान क्या है? किसी भी काम को करने के लिए हम लोग उसका प्लानिंग करते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हमें कोई बाइक बनाना है, तो बाइक बनाने के लिए सबसे पहले देखना होगा कि क्या क्या इसमें इक्विपमेंट लगेंगे, क्या क्या इसमें रिसोर्सेस लगेंगे, कैसे हम लोग वर्क करेंगे, कहाँ प्रोड्यूस करेंगे,
तो वेयर टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये सब चीज़ें आप जानना इंपॉर्टेंट है। राइट इट्स एलिमेंट, तो उसके एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं। अगला है और एक्सप्लेन एक्टिविटी मैप। तो एक्टिविटी मैप क्या होता है, जहाँ पे हम सारे कामों का एक जगह पे एनालिसिस करते हैं या एक जगह पे सारी चीज़ों को देख सकते हैं, उसको एक्टिविटी मैप बोलते हैं। जैसे आपने गूगल मैप देखा होगा, तो गूगल मैप से हम हर एक शहर का करेक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं कि कौन सा लोकेशन कहाँ पे है। सेम उसी तरह एक्टिविटी मैप है कि कोई काम कहाँ पे कैसे चल रहा है, उसको हम लाइक एक्टिविटी मैप के हेल्प से देखते हैं। और वाला क्वेश्चन, इसका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, हाउ बिजनेस आइडिया आर जनरेटेड। तो बिजनेस आइडिया जनरेट कैसे होगा, तो आइडिया तभी जनरेट होता है जब प्रॉब्लम हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रॉब्लम को फाइंड करना होगा, उस बेसिस पे हमें रिसर्च करना होगा, और हम ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व आइडेंटिफाई करेंगे जो ज़्यादा अमाउंट में लोगों को नुकसान पहुँचा रहा होगा। उस तरह के प्रॉब्लम अगर हम लोग जनरेट करेंगे या उस तरह के प्रॉब्लम हम लोग फाइंड करेंगे, तो उस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, नया बिजनेस आइडिया जनरेट कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, इसमें कहाँ पे हमको कौन सा स्टेप लेना है, वो सारी चीज़ें। और में क्या है, व्हाट इज़ रिस्क एनालिसिस इन बिजनेस। तो रिस्क एनालिसिस इन बिजनेस क्या हो सकता है, देखिए रिस्क मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई एंटरप्रेन्योरशिप है, उसने क्या किया कि नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस जो है स्टार्ट हुआ वो चलेगा ही चलेगा, तो उसमें रिस्क का चांसेस है कि वो चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। इसमें सिक्स नंबर क्वेश्चन है डिफाइन बिजनेस। तो बिजनेस क्या है, तो किसी भी काम को अगर हम लोग करते हैं तो बिजनेस का मेन मोटिव क्या है कि हम असेट्स बेचें और उससे हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रॉफिट कमा सकें, दैट इज़ अ बिजनेस। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर, तो बिजनेस स्ट्रक्चर भी आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। और है यहाँ पे व्हाट क्वेश्चन हेल्प टू आइडेंटिफाई टारगेट मार्केट्स। तो टारगेट मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। टारगेट मार्केट का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट का किसी मार्केट में, या मान लेते हैं कि ये मेरा एक रीज़न है, इस रीजन में हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लेते हैं एक लैंप हम बना रहे हैं, और इस लैंप का हमको पता करना है कि ये इस एरिया में ये लैंप बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन होना चाहिए कि किस तरह के कस्टमर जो है वो इस प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, फिर कस्टमर का नीड क्या है, फिर जो है कस्टमर के पास एबिलिटी है कि नहीं परचेस करने की, और अगर ये कस्टमर हमारे लैंप को ख़रीदेंगे या हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे तो वो जो बेनिफिट चाहिए उनको वो मिलेगा या नहीं। तो इन सारे क्वेश्चनों के हेल्प से हम लोग टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ग्रुप सी में आते हैं, सेवन्थ नंबर क्वेश्चन है, राइट डाउन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर। तो सिमिलैरिटीज़ तो अभी हमने बताया, अब डिफरेंस जान लीजिए। तो एंटरप्रेन्योर और मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है, तो एंटरप्रेन्योर अपने कंपनी का खुद का मालिक होता है, जबकि मैनेजर जो होता है वो एंटरप्रेन्योर के अंडर काम करता है, क्योंकि मैनेजर जो होता है किसी कंपनी का मैनेजर होता है जिसको एंटरप्रेन्योर जो है वो मैनेजर बनाता है। और भी बोल सकते हैं हम लोग एंटरप्रेन्योर और मैनेजर। अगला है और नंबर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टर पिच, व्हाट डू इन्वेस्टर आस्क इन अ पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एट नंबर पे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस आइडिया। तो बिजनेस आइडिया क्या है, अभी हमने बिजनेस आइडिया के बारे में बताए थे। डिस्कस टेक्निक ऑफ जनरेटिंग बिजनेस आइडिया, तो कौन कौन सा टेक्निक है जिसके कारण बिजनेस आइडिया जनरेट होते हैं। और इसका पार्ट है, व्हाट इज पेटेंट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पेटेंट। तो पेटेंट क्या है, तो पेटेंट क्या है, पेटेंट एक प्रकार का बौद्धिक संपदा है जो इसके मालिक को कानूनी अधिकार देता है कि वह दूसरे की निश्चित समय के लिए उस आविष्कार का निर्माण करने या बिक्री करने को से रोक सके। अगला नाइन्थ नंबर, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन एंगल इन्वेस्टर वेंचर कैपिटल। और नंबर है इसमें, व्हाट आर द की एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का की एलिमेंट क्या है उसको आपको डिफाइन करना था इसमें। टेंथ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, राइट डाउन इट्स ऑब्जेक्टिव। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है कि कितने आपके किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी खर्च लग रहा है, रॉ मटेरियल कितना आया, कितना प्रोसेस, कितना टेक्नोलॉजी यूज करने में खर्च हुआ, कितने लेबर और मैन वर्क में लगा, और उसके बाद हमने जब उसको प्रोड्यूस किया
तो और उसको जब सेल किया तो हमें कितना प्रॉफिट मिला, उन सारे का मैनेजमेंट रखना ही क्या कहलाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि इफिशियंसी बढ़ा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हमको मिल सकता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के होने की वजह से। और में है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। 11th नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज एग्जिस्ट स्ट्रेटजिक अवेलेबल फॉर टू एंटरप्रेन्योर, एक्सप्लेन इट टू इन डिटेल। तो एग्जिट एट स्ट्रेटजी क्या है, तो एग्जिट स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि कोई कंपनी मान लेते हैं चल रही है, अब कंपनी को ये है कि अब हमें कंपनी बंद कर देना है या किसी कारणवश कंपनी को बंद कर देना है, तो कंपनी ये करेगा कि जो उसने एसेट बनाए हैं या जो प्रोडक्ट उसको बनाए हैं, जितना इन्वेस्ट उसने किया है, तो कम से कम ये कोशिश होना चाहिए कि उसको बेचने से जो प्रोडक्ट थे उसका क्या मिल सके, इन्वेस्टिंग अमाउंट मिल सके। तो ये एक तरह का इन्वेस्टिंग एग्जिट स्ट्रेटजिक अवेलेबल फॉर एंटरप्रेन्योर हो सकता है। राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन सेल्फ फंडिंग और क्राउड फंडिंग। तो ये जो एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप का क्वेश्चन पेपर था, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर आए थे, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पेपर था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।